आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चित्रांश महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रदेश के सभी राजनीतिक पार्टियां आज कायस्थ समाज को अपनी तरफ लुभाने के लिए सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस अवसर पर कायस्थ वर्ग समाज को लेकर मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोग गुजरात में थे, अनिल जी का आना है तो फिर चलो एक पंथ दो काल हो जाएंगे, अनिल जी का कार्यक्रम हो जाएगा और चित्रांश महासभा के कार्यक्रम में भी हम लोग पहुंच जाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और चित्रांश महासभा को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि बाबू जी ने जिम्मेदारी अपने नौजवान कंधों पर डाल दी है। मैं भरोसा दिलाता हूं जिस ढंग से बाबू जी के साथ हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, हम आप सबके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और कभी भी कोई बात होगी मैं हमेशा आपके लिए समर्पित भाव से काम करूंगा। ढेर सारे चेहरे हमारे यहां पर भाई की तरह है, बहनों की तरह है। कभी भी कोई बात हो आप हमें बुलाएंगे, मैं आपके परिवार की तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का 21वां स्थापना दिवस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है? हमारा नाम है संजीव वर्मा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का और कार्यवाहक। अभी भी हमारे बाबूजी श्री विनोद बिहारी वर्मा जी, जो कि पिछले दो दशकों से अखिल भारतीय चित्रांश महासभा में कायस्थों को जोड़ने का, एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं और अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, मैं तो कार्यवाहक हूँ। ये कार्यक्रम हम लोगों ने अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाया है, इसमें हमारे संस्था के संस्थापक लोगों का समर्थन। महासभा के कई शाखाएं जो हैं देखी जा रही हैं, तो आप उसमें अपने आप हमारी सबसे बड़ी और पूरे उत्तर प्रदेश भर में फैली हुई संस्था है और संस्थाओं में राजनीति पे, सामाजिक उस पर कार्य नहीं होते हैं, केवल फंक्शन होते हैं। हम लोग जो है एक उद्देश्य लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा समाज संगठित हो, हमारा समाज एक दूसरे की मदद करे।